दोस्तों, अपने बेबाक और बिंदास बयानबाजी के चलते कंगना रनौत हमेशा से ही सुर्खियों में बनी रहती हैं। लेकिन दोस्तों, कंगना का इस बार सुर्खियों में आने का कारण उनका बेबाक और बिंदास अंदाज नहीं बल्कि उनकी जान को खतरे का संकेत है। लेकिन दोस्तों, आखिर कंगना रनौत को कौन मारना चाहता है और किस लिए मारना चाहता है, इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों, अगर कंगना रनौत को कोई मारने की कोशिश कर रहा है तो आखिर ये खबर आई कहां से और कब आई, चलिए मैं आपको बताता हूं आज की इस वीडियो में। देखिए, दरअसल राजनेता और राज्यसभा के पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने हाल ही में कंगना की सिक्योरिटी पर सवाल उठाया था। उन्होंने एक्ट्रेस का नाम लिए बिना उन्हें मिली सिक्योरिटी पर तंज कसा था और इस पर अब कंगना रनौत ने जवाब दिया है और कहा है कि उनकी जान को खतरा है और साथ ही ये भी कहा कि वो महाराष्ट्र में राजनीतिक द्वेष का शिकार बन चुकी हैं और उनकी कुर्बानी पर राष्ट्रवादी लोग वहां सरकार बना सकते हैं। देखिए, कंगना रनौत ने खुद को मिली सिक्योरिटी को भी जस्टिफाई करने की कोशिश की और कहा कि वो एक राइटर और प्रोड्यूसर भी हैं और उनकी जान को खतरा है और इस बारे में कंगना ने ट्विटर पर भी काफी कुछ लिख दिया। देखिए, उन्होंने ट्वीट किया कि मैं सिर्फ एक बॉलीवुड स्टार ही नहीं बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक भी हूं जो मुद्दों पर राय रखती हूं और मैं महाराष्ट्र में राजनीतिक द्वेष का निशाना बन चुकी हूं और मेरी कुर्बानी पर वहां राष्ट्रवादी लोग सरकार बना सकते थे। मैंने टुकड़े टुकड़े गैंग के बारे में भी बोला और खालिस्तानी संगठनों की खुलकर आलोचना भी की। मैं एक फिल्म मेकर, राइटर और प्रोड्यूसर भी हूं। मेरी अगली फिल्म इमरजेंसी में ऑपरेशन ब्लू स्टार भी शामिल है और मेरी जान को इसलिए खतरा है, इसलिए मैंने अपनी सिक्योरिटी बढ़ाने की विनती की थी। सर, क्या इसमें कुछ गलत है क्या? मतलब कि दोस्तों, एक हिसाब से देखा जाए तो जिस तरीके के काम और जिस तरीके की फिल्में कंगना रनौत हाल ही से बना रही हैं, वो उन लोगों के खिलाफ हैं जो देश के खिलाफ सोचते हैं और ऐसे में कंगना रनौत की जान को खतरा मुनासिब बात है, जिसके चलते अगर कंगना रनौत सिक्योरिटी मांग रही है तो उनका मांगना मेरे हिसाब से सही है। बाकी दोस्तों, इस मामले पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूं अलविदा, मिलता हूं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।